हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। उसके लिए हमें चाहिए बटर, मैंने यहाँ पे अमूल बटर लिया है, और चाहिए हमें लहसुन, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, प्याज, 5 आलू जो उबाल लिए जाए हों, और टमाटर जो क्रश की कर लिए हैं, गाजर, उबले हुए मटर, ये स्टॉक है जिसमें हमने गाजर को बॉईल किया था, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पाव भाजी मसाला और हमें चाहिए होंगे पाव। आगे हमने क्या किया है, हमने थोड़े से लो आंच पर कढ़ाई को रख दिया है और उसमें 100 ग्राम बटर डाल दिया है। बटर हमेशा लो आंच पे ही डाल लें, नहीं तो वो कैरामलाइज हो जाएगा। तो हमने उसकी कैरामलाइजेशन रोकनी है और उसको आराम से मेल्ट करना है, इतने में आपका बटर मेल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो बटर है ये मेल्ट हो गया है, अब हमें इसमें कैप्सिकम डालेंगे। मेल्टेड बटर में हमने कैप्सिकम, हरी मिर्च और प्याज को डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर सौते करेंगे ताकि वो थोड़े गल जाएं। हमारे वेजिटेबल्स अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें हम अब डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक, और इसमें हम डालेंगे ग्राइंडेड गार्लिक या लहसुन। इस मोमेंट पर सब्जियों ने बटर छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है, तो हम इसमें अब ऐड करेंगे हमारे क्रश्ड टमेटोज। और उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, इतना भूनना है कि इसका जो पानी है वो सूख जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम थोड़ा यहाँ पे जो स्टॉक बचा था वो डालेंगे। ये स्टॉक है, हम वो डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको फिर स्टर करेंगे और इसको सूखने देंगे। अब इस मोमेंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाले की, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। इसको अब हम फिर सौते करेंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पे भी आपको पानी डालने की ज़रूरत है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। आप पहले स्टॉक खत्म कीजिएगा, फिर इसमें आप पानी डालिएगा। अब मैं इसमें सारा स्टॉक डाल दूंगी। मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया था ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। इसके हाँ, हम डालेंगे इसमें बॉयल की हुई गाजर, इसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया था, और हम इसमें डालेंगे मटर। अब इसको थोड़ा हिला लेंगे। अब देखिए, इसमें फिर पानी ऐड करने की थोड़ी सी जरूरत है। फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी डाल दिया है। इस मोमेंट पर ये आलू डालेंगे, ये मैंने पहले से ही मैश कर लिए थे। पाव भाजी में आलू काफी पड़ता है, ये इसका बेस बनाता है, सो सारे आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, उसके बाद
हम इसमें डालेंगे ढेर सारी धनिया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है। फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी थोड़ी रेडी है। अगर आपको लगता है आपकी जो वेजिटेबल्स या सब्जियां हैं वो अच्छी तरह मैश नहीं हुई, तो ऐसा एक मैशर आता है, ये बाजार से इजीली अवेलेबल है, तो आप इसके साथ उसको मैश कर सकते हैं। और जो आपको सब्जियां लगती मोटी मोटी रह गई हैं उसको आप अच्छी तरह से मैश कर लें।